540 किलोमीटर पार करके, रास्तों की कठिनाइयों से बच के और बहुत से मज़ेदार नज़ारे देखने के बाद, 10 घंटे गाड़ी में बिताने के बाद जब हम लोग दीव पहुँचे तो रात के 11 बज चुके थे। क्या बोलते तको, कहाँ पर हैं हम लोग? हम लोग आए हैं दीव। क्यों आए हैं अपन दीव? बस हम बहुत टाइम से घूमे नहीं थे तो आज इच्छा हो तो घूमी घूमी करने के लिए आए हैं। मुझे मुझे तो लगा कि हम खाने पीने के लिए आए। तो खाने पिएंगे ना, तो फिर दीव में कहाँ पर घूमने जाएंगे? आप ही तो फोर्ट जाएंगे, बाद में केव्स जाएंगे। ओह आई लाइक, फिर टाइम मिला तो बीच भी कवर कर लेंगे। नहीं तो बीच तो जाना ही है ना। जाएंगे जाएंगे तो ठीक है। तो मेरे को यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, आउटडोर। हाँ, वो हमारा गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है। और अपन तो कल रात को पहुँचे थे ना, तो फिर थक गए थे। यहाँ पर 11 बजे सब बंद हो जाता है। और सुबह खुलता भी 11 बजे ही है सब। कोई प्रॉब्लम है? इतना टाइम से कौन चलता है भाई, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। नाश्ते के लिए भी हम कितना चले आज। हाँ, और नाश्ते में इतना मजा नहीं आया मुझे तो। Yes. Stay tuned. Stay tuned. देखो फ्रेंड्स, मंडे को छुट्टी लेके आने का फायदा होता है कि आपको कोई नहीं मिलता यहाँ पे, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है ऑब्वियसली। इस किले को 15वीं शताब्दी में पुर्तगीज लोगों ने बनाया था। और ये देखो, अभी भी जिंदा है। बीमार तो सबको ही होते हैं ना, कुछ ना कुछ दवा हो जाए तो ठीक भी हो जाते हैं। सोचिए, अगर हम लोग इतनी लंबी उम्र जीते होते तो क्या होता। जिस तरह से इस किले का रिनोवेशन अभी अभी हुआ है, उसके कारण इसकी उम्र तो दिखाई नहीं दे रही। प्लास्टिक सर्जरी जो करवाई है। दीव जाना तो दोस्तों के साथ ही जाना, या फिर मत जाना।
अगर आपको भी समंदर को देखकर उसकी गहराई नापने की तमन्ना होती है तो अपनी बिरादरी के हो भैया। अभी तो यहाँ सन्नाटा है, लेकिन ज़रा सोचिए युद्ध के समय यहाँ कैसे नगाड़े बजते होंगे। लोग अपने हाथ में बारूद लिए खड़े होंगे, और अगर इनमें से कोई नहीं चली तो क्या इन तोपों के स्पेयर पार्ट को भी लेके यहाँ बैठे होंगे। ज़रा इस नज़ारे को तो देखिए, ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा सा जहाज़ समंदर को पार करने के लिए निकल पड़ा हो। क्या कहानी है इस पत्थर की, क्यों इसे इतना संभाल के रखा गया है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन देखकर लगता है कि ये जगह किले का मंदिर रही होगी। ये लाइट हाउस कितनी अच्छी चीज़ है ना, समंदर के उस पार से आते हुए जहाज़ जब इसकी रोशनी को पहली बार देखते होंगे और उन्हें जो सुकून मिलता होगा उसको कैसे कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन तोप तो रखेंगे क्योंकि दुश्मन भी तो हो सकते हैं।
कितनी बार आए हो यहाँ पे? चौथी बार आया। तो चौथी बार आए हो तो ये फोर्ट देखने के लिए कितनी बार आए हो? फोर्ट में दूसरी तीसरी बार देखी। तो तीसरी बार में कुछ नया लगा? अभी तो पूरा रिनोवेशन हो गया है। तो क्या बोल रहे थे? आज पब्लिक भी कम है। क्यों कम है? आज तो मंडे है ना, तो अब मंडे को आना चाहिए ना, तो सब मंडे को आएंगे ना, फिर तो पब्लिक बढ़ जाएगी। आप कहाँ पे जाएंगे? आप जाएंगे हम चर्च। चर्च? ओके, सेंट पॉल चर्च। नाम मुझे नहीं पता, ऐसा ही कुछ नाम है यार। तो हम आए हैं सेंट पॉल चर्च में। ये चर्च किले से 200 मीटर की दूरी पर ही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं अभी चर्च में। इस चर्च को भी 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज लोगों ने यहाँ बनवाया था। अंदर आपको हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियनिटी की शिल्प कलाकारी देखने को मिलेगी। कौन थे वो कलाकार? वो लोग बेनाम हैं, उनके रिकॉर्ड आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पर अंदर जाते ही मन को शांति का एहसास ज़रूर होता है।